दिल्ली में एक स्कूल की छात्रा को किडनैप कर लिया गया। लड़की के घर वालों की माने तो उनके पड़ोस में रहने वाले लड़के ने ही उनकी बेटी का अपहरण कर लिया है। जिस लड़की को किडनैप किया गया वो बुराड़ी के सर्वोदय स्कूल में 10वीं की छात्रा है। लड़की को किडनैप किए जाने की खबर मिलते ही स्कूल के सामने खासी भीड़ जमा हो गई। अब लड़की के घर वाले ही नहीं इलाके के लोग लड़कियों के साथ हो रही वारदातों को लेकर फिक्र में हैं। इससे बड़ा गुंडागर्दी मैं दिल्ली के अंदर हो रहा है तो इससे मतलब दिल्ली पुलिस के ऊपर जाता है कि ये कर क्या रहे हैं। इनका कोई इंटरेस्ट मतलब वो नहीं करते कि मतलब कि भैया कौन आ रहा है कौन जा रहा है किस कारण से चक्कर काट रही है वो इन्हें। पहले भी कोई छेड़खानी स्कूल के आगे या इस तरह कुछ और बात हो रहा है लेकिन उस टाइम इतना गौर तलब नहीं किया गया, लेकिन आज इस तरह से अपहरण कर ले जाना ये सबसे बड़ी वो वाली। इलाके के लोगों की माने तो यहाँ आवारा लड़कों की वजह से ऐसी वारदातें हो रही हैं। यहाँ पर खड़े बदमाश स्कूली छात्राओं से छेड़छाड़ करते हैं लेकिन इलाके की पुलिस कुछ नहीं करती। कोई पुलिस वाला नहीं खड़ा होता है यहाँ पे और जगह नथुपुरा मोड़ पे जो सब मेरी स्कूल है वहाँ पे भी कोई नहीं खड़ा होता पुलिस वाला, हर जगह बुरा माहौल हो रहा है इस एरिया में। खबर मिलते ही स्वरूप नगर थाने की पुलिस स्कूल पहुंची और उसने जांच शुरू की। पुलिस आरोपी लड़के के घर वालों से भी पूछताछ कर रही है मगर लड़की का अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है।